दोस्त, यदि आपको 1.5 GB जो डाटा प्लान मिलता है वो आपका पूरा दिन भी नहीं चल पाता और डायरेक्टली जो कि आप ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते और ख़त्म हो जाता है, तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपका जो 1.5 GB जो कि ऑटोमेटिक खर्च हो रहा है या जल्दी खर्च हो जाता है, पूरा दिन नहीं चल पाता, इस वीडियो को देखने के बाद जो ट्रिक है उसे अप्लाई करने के बाद आप 100% आप अपने पूरे के पूरे एक दिन भी यूज़ करोगे ना गाइस, तो भी आपका डाटा खर्च नहीं होगा। हाँ, अगर आप 1.5 GB की मूवी कोई डाउनलोड करते हैं खुद से तो वो तो खर्च होगा ही होगा, बट नॉर्मल तौर से बात है कि हम ज्यादा कुछ डाटा यूज भी नहीं करते तो डाटा हमारा पूरा का पूरा है जो कि खर्च होता है, तो वो प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है कि हमारा 1 GB या 1.5 GB जो हमें डाटा मिलता है वो बहुत ही तेजी से खर्च हो जाता है, हम ज्यादा यूज भी नहीं करते और डाटा हमारा पूरा का पूरा इरेज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो हम ऐसे में इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, और गैस मैं आपको बता दूं जो सेटिंग आप करने वाले हैं, अगर आप उस सेटिंग को अच्छी तरीके से इस वीडियो को पूरा वॉच करके देखते हैं और सेटिंग करते हैं तो आपका जो 1 GB या 1.5 GB डाटा ना गाइस वो पूरा दिन चलने वाला है। बिल्कुल से सही सुने आप, पूरा दिन चलने वाला है। वो कैसे, तो यहाँ से आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और हमारी जो पहली ट्रिक है उसे आपको ध्यान से समझ लेना है। ट्रिक हमारा है गाइस कि हमारे फोन पे जो कि गूगल फोटोज का ऑप्शन जरूर होता है, तो गाइस होता क्या है, हम अपने फोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो डायरेक्टली वो डाटा स्टोरेज होके गाइस हमारा बैकअप बन जाता है गूगल फोटो के ऐप में, जो कि हमारे जीमेल आईडी पे वो सेव होता है। तो गाइस बैकअप लेने में इंटरनेट ही यूज होता है और वो हमारा डाटा ही यूज होता है और खर्च होता है। तो इसके लिए आपको अपने फोन पे अपने जो कि गूगल फोटोज को सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से टाइप करके यहाँ से गूगल फोटो ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि आप इस ऐप को ओपन करोगे ना गाइस, तो आपको यहाँ से देखो आपकी गैलरी की सारी चीजें मिल जाएंगी, आपकी फोटोज वीडियोज सारी चीजें यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। तो आपको करना क्या है, आपको लोगो मिलता है, आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। आपका जीमेल आईडी का लोगो मिलेगा, उसमें क्लिक करो एंड इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फोटो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको फोटो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसमें क्लिक करोगे गाइस यहाँ से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि बैकअप, वो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इसमें क्लिक करना है। ये मेरा ऑफ है बट आपका ये इनेबल होगा और जब ये इनेबल होगा तो 100% आपका डाटा यूज हो रहा होगा। मैंने अभी इसे जो कि ऑफ किया है गाइस, देखा देखो गाइस यहाँ से 15 GB जो कि हमें डाटा मिलता है और डायरेक्टली 15 GB फुल का फुल हो चुका है और सिर्फ 137 MB का स्पेस बचा है। तो मेरा डाटा पूरा का पूरा जो मेरा बैकअप होता था अपने जीमेल आईडी पे ही जाता था और 15 GB भाई कम नहीं होते। और इसी तरह गाइस हमारा डाटा जो कि खर्च होता है, तो इसीलिए फिलहाल आप इसे यहाँ से डिसेबल कर देना। बट अगर आप डाटा स्टोरेज करना चाहते हैं, अपनी फोटोज आप प्राइवेट समझना चाहते हैं, उसे सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप मैनुअली जो कि आपको जो फोटो पसंद हो जिसे आप सेव करना चाहते हैं आप उसी को सेलेक्ट रहने देना, जो कि खुद करना। ऑटोमेटिक करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा स्टोरेज जो कि आपका यहाँ पे जीमेल आईडी पे आपका बैकअप बनता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह में आपका डाटा काफी तक खर्च होगा। तो फिलहाल मेरा ये ऑप्शन, मैं इसे डिसेबल ही रहने दूंगा और ये हमारा पहला ट्रिक था गाइस, इसे आप जरूर कर लेना क्योंकि कई लोगों के फोन पे होता है और गूगल फोटोज को वो लोग यूज भी नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिक उनके फोन पे गूगल फोटो बैकअप लेता रहता है और उसकी वजह से उनका डाटा तेजी से खर्च होता है। अब ये हमारी पहली ट्रिक थी, अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक के ऊपर। अगर जो दूसरा ट्रिक है इसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। तो यहाँ से आपको सेटिंग पे आने के बाद आपको सिम एंड नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्वाइप कर लो और यहाँ से फिर आपको डाटा सेटिंग डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करो और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेट डाटा प्लान्स का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करो गाइस। एंड आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये डाटा सेवर का जो ऑप्शन मिलता है आपका ये डिसेबल होगा, ऑफ होगा, तो आप इसमें क्लिक करके इसे यहाँ से इनेबल कर लो जिससे कि आपके फोन का जो डाटा है ना वो मिनिमम जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज हो। ये नहीं कि आपका पूरा का पूरा डाटा किसी एप्लीकेशन को आपने यूज किया है या कोई अन्य एप्लीकेशन आपके फोन पे पड़ी हुई है जिससे कि सारा का सारा डाटा क्लोज मतलब खर्च कर दे, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसे ऑन करना जरूरी है। एंड सेट डाटा प्लान को आपको यूज करके अपना डाटा कितना खर्च करना वो आपको डायरेक्टली यहाँ से बैकअप बना लेना है। ये काफी बढ़िया ट्रिक है गाइस, इसे आप जरूर अप्लाई करना। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक के ऊपर। अब गाइस जो हमारा तीसरा ट्रिक है उसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर को जैसे आप ओपन करोगे डायरेक्टली आपको जीमेल आईडी का लोगो मिलेगा, उसमें क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पे आइए। सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपको नेटवर्क वाला जो कि ये ऑप्शन मिलता है दोस्तों, आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसमें क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने वही यहाँ से आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको करना क्या है गाइस, यहाँ से आपको पहला जो ऑप्शन मिलता है ऐप डाउनलोड का, आप इसमें क्लिक कर लो। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस एक्सपायरी टाइम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप
टैप योर एनी नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, तो गाइस यहाँ से आप इस फर्स्ट वाले को ही चूज करना। ओके गाइस, फर्स्ट वाले को चेक करना और उसके बाद ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करना, ठीक है। या ऑटो अपडेट का जो ऑप्शन मिलता है आप इसमें क्लिक करो, एंड इसमें क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ से और वाई फाई ऑनली का ऑप्शन किया है। तो गाइस होता क्या है कि हमारे फोन पे जो एप्लीकेशन होते हैं डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन में अपडेट आता है, कोई न्यू चीज़ें आती हैं तो डायरेक्टली हमसे बिना पूछे हमारा फोन जो कि प्ले स्टोर डायरेक्टली उसे अपडेट करना शुरू कर देता है। और फेसबुक की बात करें तो 50 से 60 MB खर्च हो जाता है उसे इंस्टॉल करने में, और अपडेट भी कुछ कम साइज का नहीं आता। तो इसी तरह हमारे फोन पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होती है जिनमें से कई सारी एप्लीकेशन जो कि 10 से 5 दिन में अपडेट होती रहती हैं, और उसमें गाइस हमारा फोन का डाटा भी खर्च होता रहता है क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा फोन डाटा जो कि उन्हें अपडेट करता रहता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ से आपको योर जो कि ये वाला जो ऑप्शन कर लेना, डोंट ऑटो अपडेट एप्स का ऑप्शन, इसमें क्लिक कर लेना, इससे कि आपका फोन का डाटा काफी हद तक बचेगा गाइस। और ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100% आपका डाटा पूरा दिन यूज होने वाला, तो भी खर्च नहीं होगा। हाँ, अगर आपको 1.5 GB मिलता है, आप 1.5 GB का कोई मूवी डाउनलोड कर लेते तो आपका डाटा खर्च होगा ही, लेकिन जो टॉपिक थी कि हमारा डाटा बिना यूज के खर्च हो रहा है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।